जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। एग्जाम्स आने वाले हैं, 20 दिन बाद एग्जाम्स है। कितना 20 दिन ही मान के चल लो, और तो क्या ही मानोगे। 24th को पहला एग्जाम है अकाउंट्स का, तो 20-25 दिन मान के चलो, आखिरी के 4-5 दिन तो अकाउंट्स ही पढ़ोगे अब। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 20 दिन है। अब इन 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो एफिशिएंसी आती है ना, वो पहले कभी नहीं आती है। इस टाइम पे पढ़ रहे होंगे पूरा दिन रात, अरे मतलब पूछो ही मत। ये सुनो, अब लास्ट के 20 दिन में मैं आपको अकाउंट्स की रिवीजन करवाने वाला हूँ। आपने पहले सिलेबस कवर कर लिया है, एक बार भी अगर आपने पढ़ लिया है इन आखिरी 20 दिन में, अगर आपने इस रिवीजन प्लान को फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, पहला पेपर सर आपके सीए फाउंडेशन का शुभ आरंभ, बहुत ही बढ़िया होगा, मजेदार होगा। अकाउंट्स का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो किस तरीके से हम अगले 20 दिन में, मैं मान के चलूंगा 20-18-20 दिन में हम पूरा का पूरा अकाउंट्स रिवाइज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हमने अभी लास्ट वीक पूरी की पूरी आरटीपीस की रिवीजन करी है ना। सारे आरटीपीस जो आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 5 आरटीपीस अवेलेबल है, पांचों की पांचों आरटीपीस हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको कवर किया है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। देन नाउ अब बारी आती है सर चैप्टर वाइज रिविजन करने की। चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे ध्यान रखने हैं, उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो करेंगे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो किस तरीके से ये प्लान चलने वाला है, तो सर देखो, पहला चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, प्रॉपर मैंने 1.5 घंटे में पूरा 100% चैप्टर मैंने आपको कवर करवाया, अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस डाल रखा है, जाके चेक कर सकते हो। अब बारी है सर कल की, है ना। सर ये वीडियो मैं एक दिन लेट डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ, कल से हम शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस से। जो जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनको कवर करो। कभी भी ये गलती मत करना कि लास्ट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छोड़ो। नहीं, मुझे लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बहुत टेंशन होती है, पैनिक होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे बड़े बड़े चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स एंड के लिए नहीं छोड़ने हैं, राइट। तो मैं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, इस टाइम पे स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो सर कल हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस एक ही दिन में, जर्नल जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज आपकी आती है, लेजर जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस अगेन एग्जाम में आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, सब्सिडरी बुक्स अगेन, फॉर्मेट वगैरह क्या क्या कैसे होता है, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। तो मतलब एक ही दिन में 2-3 घंटे लगा के इन चारों चैप्टर्स को निपटा देंगे, एक ही बारी में खत्म कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। देन आता है सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है एग्जाम में आता है कई बार, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन अलग से आ जाएगा, नहीं तो फाइनल अकाउंट्स के साथ आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। हाँ, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जितने भी पॉइंट्स है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, सर तीनों क्वेश्चन, तीनों के तीनों आपको आने चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। अब वो 3 घंटे में होता है, 4 घंटे में होता है, करेंगे एक ही दिन में खत्म करेंगे। ये सुनो, मैं मान के चल रहा हूँ कि 3-4 घंटे में पूरा चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ऐसे इन्वेंट्रीज जिसमें आपको डर लगता है, अरे बिल्कुल डरना ही नहीं है भाई, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। आरटीपीस अगर आपने मेरी कवर करी है, आपको पता है इन्वेंट्री से मोटा मोटा 1-2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, स्टॉक टेकिंग पूछ लिया, वो सब चीजें पूछ लिया, बाकी सब तो उसमें आसानी है, राइट। डेप्रिसिएशन बहुत आसान चैप्टर है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 10 का भी आ जाता है। तो छोटी छोटी जो चीजें उसमें है कि मेथड चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अलग अलग मेथड्स कौन से हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देन देखो, फिर आता है सैटरडे संडे। सैटरडे संडे हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, है ना, प्रॉपर पेपर करेंगे। आप देखो, मैं मान के चल रहा हूँ यार कि एक बार तो सिलेबस किया होगा ना, कभी तो चैप्टर्स को पढ़ा होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर तैयारी हो गई या नहीं होगी, एक बार भी पढ़ लिया होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, उससे क्या होगा, यू विल गेट एन आइडिया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने पीछे चैप्टर्स रिवाइज करके आए हैं वो भी और अच्छे से हो जाएंगे। हाँ जी, बाकी चैप्टर्स का आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि हाँ, जो हम आगे चैप्टर्स करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स, कंसाइनमेंट, शेयर्स, उनके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे, चैप्टर्स की रिविजन कर लेंगे, सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन फाइनल अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो एक दिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके दिन अगले दिन मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस कर लेंगे, 2 दिन में बढ़िया 10-15 मार्क्स कवर। हाँ, है ना, एनपीओ जिससे डर लगता है आपको, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, एनपीओ का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, बहुत आसान आता है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं, बेशक वो सब्सक्रिप्शन हो, कुछ भी हो, सर उसको आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। शेयर्स हलवा चैप्टर,
ट्वेल्थ में अगर आप पढ़कर आए हो तब तो क्या ही है ये सर, 15 मार्क का क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। ऐसे सारे चैप्टर्स हम करेंगे, कंसाइनमेंट हमारा 12th of June को हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स एक्सपेक्टेड होते हैं। पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था, पता नहीं क्यों नहीं आया था, राइट, ठीक है, लेकिन आता है, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमेशा आता है। देखो प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 5 मार्क्स का आता था, पिछले अटेम्प्ट में 15 का आया है, लेकिन क्वेश्चन वही बना है सर, जो क्वेश्चन बनते हैं बुक्स वाले वही बने हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बना, नहीं सर, आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा सर 14 जून को मोटा मोटा खत्म हो जाएगा, 15 जून को जो आपके छोटे छोटे थियोरिटिकल चैप्टर्स हैं जिनसे 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है वो कर लेंगे, और उसके बाद MTP RTP कर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, 15 जून तक खत्म कर देना, उसके बाद जो भी हमारे दिन बचेंगे 2 3 4 दिन जितने भी दिन आप क्लास लेना चाहोगे उस दिन MTPs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरे साथ ये प्लान फॉलो किया, और होपफुली मैं ये खुद प्लान फॉलो करूंगा, राइट, ठीक है, कोई बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, हाँ जी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रेक है ही नहीं बीच में, नहीं। तो सर कल से लेके 29th of May से लेके 15th जून तक, ये देखो 15 17 दिन है, अगर आपने प्रॉपरली इसको फॉलो कर लिया हो जाएगा। सर कब है, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 4 बजे, 4 बजे लाइव मिलेंगे, लाइव करेंगे, डाउट्स आपके उसी टाइम सॉल्व करेंगे, सब कुछ उसी टाइम करेंगे, 4 से 6 या 7 बजे तक। आपको बस मेरे साथ अकाउंट्स पढ़नी है और आपकी अकाउंट्स सॉर्टेड है, ये सुनो। तो मिलते हैं आपसे कल, मिल रहे हैं, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कौन कौन आ रहा है कल, मुझे पता चल जाए कि हाँ कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। देखो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना मजा आएगा, ये तो आपको पता है, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स देखो एनर्जी, हाँ जी स्टूडेंट्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन हाँ ट्रस्ट मी, अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पहले से फॉलो कर रहे हो, ये आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए, मजा आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे, कोई डाउट होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, हाँ सुनो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां पे सारी अपडेट्स देता रहूंगा और इसका भी स्क्रीनशॉट वहां पे शेयर कर दूंगा, आपके पास भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप जात से ज्वाइन कर लेना, डाउट्स वगैरह के लिए भी है वो, वहां आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं, बाकी आप कल मिलेंगे, 15 20 दिन बढ़िया मस्त प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए सर पढ़ते रहो आराम से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है, आखिरी के कुछ दिनों में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने आप में नहीं लेना है, बात समझ रहे हो, एक आधा दिन भी अगर हो गया ना खराब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बढ़िया से खाना पीना खाओ, आराम से रेस्ट करो, ब्रेक लेके पढ़ाई करो, निकल जाएगा फाउंडेशन, अरे कुछ नहीं है, आराम से निकल जाएगा, पेपर बहुत आसान आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर।